वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बिटकॉइन बर्नर में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं रिपल के XRP टोकन के बारे में। क्या न्यूज़ आ रही है बताऊंगा आपको, क्या क्या नई नई खबरें आई हैं लास्ट 24 आवर्स में, और करेंगे प्राइस एनालिसिस और देखेंगे क्या क्या नए फैक्टर्स हैं जो इसका प्राइस नीचे ला रहे हैं या ऊपर ला रहे हैं। वीडियो को पूरा देखो और एंड तक देखो। और यस यार, अगर आप चैनल पर नए हो या अपने चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको माय लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स का सबसे पहले पता चले। हम डेली बेसिस पे क्रिप्टो एनालिसिस करते हैं, जरूर चेकआउट करना। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता यार मैं, अब सीधा चलते हैं पहली खबर की बात करें। XRP फॉल्स 10.30% इन सेल ऑफ। प्राइस पे चलते हैं, आप देख सकते हो प्राइस चल रहा है 0.4352, जिसमें 8.88% से डाउन है लास्ट 24 आवर्स में। जो मार्केट कैप है वो 9.82% से डाउन है और जो वॉल्यूम ट्रेड वॉल्यूम है वो 0.35% से अप है लास्ट 24 आवर्स में। बताऊंगा इसका क्या सिग्निफिकेंट है आगे, इस वीडियो को पूरा देखें। आते हैं वापस खबर पे। तो हमने जहां देखा कि XRP का प्राइस 0.4289 पर ट्रेड कर रहा था जब ये आर्टिकल लिखा गया है। बस मेरी सबसे पहली बात ये है यार, देखो हमने कल ही बात की थी कि XRP अपना मेजर जो एक बहुत क्रूशियल इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 0.45, उसको ब्रेक करके बैक आया 0.415 पे। बट हाँ, अब स्विफ्टली रिकवर कर रहा है, 0.4354 पे आया है। तो न्यूज़ की बात करें तो उसमें जैसे आपको पता है 10.30% से डाउन था, जिसमें 0.4289 पे हो रहा था मार्केट कैप वैल्यू, सब डाउन हुआ। एंड ये वन लार्जेस्ट वन डे परसेंटेज ड्रॉप है सिंस 23rd Feb। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, XRP प्राइस को ऊपर जाने के लिए ब्रॉडर मार्केट सपोर्ट की हेल्प चाहिए होगी, बट हमने देखा कि बिटकॉइन और एथेरियम दोनों लॉस पे थे, 5.78 और 8.869% रिस्पेक्टिवली। अगर मैं आपको करंट पोजीशन भी दिखाऊं मार्केट पे, तो दोनों बिटकॉइन और एथेरियम 10% डाउन है अपने प्राइस से। और अगर हम बाकी मार्केट की बात करें तो सारी ही मार्केट, मतलब ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स नेगेटिव्स में चल रहे हैं, बेयरिश मोड है, मार्केट डाउन है अभी सारी। अगर मैं आपको सीधी बात बताऊं तो आप देखो, ये देखो क्या बोलते हैं, बिटकॉइन मार्केट कैप भी 61% टोटल करेंसी, देखो मार्केट कैप इसकी 11.78%। तो दोनों डाउन पे हैं। एंड मेजरली अगर मैं दिखाऊं तो आप देखो बाइनेंस कॉइन भी जो इतना ऊपर जा रहा था, पोलका डॉट, इवन सिर्फ एक कार्डेनो है जो ऊपर है, बाकी सारे कॉइन्स नीचे हैं। तो अगली खबर की बात करें, इसमें यह है कि प्राइस फोरकास्ट निकल के आया जिसमें बताया जा रहा है कि XRP 50% ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि जो क्रिटिकल इंडिकेटर्स हैं वो स्क्रीम कर रहे हैं सेलिंग प्रेशर का। अगर देखते हैं रिपल प्राइस वर्ज ऑफ मेजर ब्रेकडाउन पे है, अगर क्रूशियल सपोर्ट लेवल फेल नहीं होल्ड करेगा वो एंड सेल सिग्नल शो कर रहा है, प्लस नंबर ऑफ जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं डाउन ट्रेंड में हैं, मतलब कि वो XRP पे इंटरेस्टेड नहीं है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले हम बात करते हैं कि क्या चीज़ हो रही है। अब बेसिकली आप देख सकते हो इसमें लिखा है, द डिजिटल एसेट रिमेंस क्वाइट वॉलेटाइल एंड कुड बी पॉइज्ड फॉर अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप। मतलब कि XRP बहुत फ्रीक्वेंटली खुद की वैल्यू चेंज कर रहा है और मे बी इट्स गेटिंग रेडी फॉर अ ड्रॉप। बट पहले पूरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं जिसमें क्या है। आप देख सकते हो कि कल के बाद क्या हुआ, एकदम ही बियरिश मोड चल रहा और वो 0.45 के लेवल के नीचे आया। एंड सेम अगर हम देखें तो ऐसे का लास्ट सेल सिग्नल प्रेजेंट हुआ था नवंबर 2020 में, जब रिपल का प्राइस 70% ड्रॉप कर गया था। एंड मैं आपको बताऊं जो अभी जिस सपोर्ट लेवल पे वो गया था, आपको मैं दिखा दूं 0.4156, तीन डिजिट्स पे ध्यान दें, 0.415। एंड अगर मैं यहाँ पे आऊं आर्टिकल में, इसमें भी ये लिया है 0.415, अगर ये इसको मेजर सपोर्ट लेवल एक्ट कर रहा है, अगर ये की लेवल्स नहीं हुआ तो रिपल का प्राइस 0.218 की तरफ मूव कर सकता है, मतलब और लॉस में। आगे नीचे बढ़ते हैं तो यार ये एक भी इसमें ये भी है, रुको, कि XRP जो लोगों के पास 10 लाख से या ज़्यादा XRP थे उनका नंबर काफ़ी डिक्रीज हुआ है पास्ट 3 वीक्स में, भले ही रिपल का प्राइस डाउन आ रहा है। एंड ये बेसिकली इंडिकेट ये कर रहा है जो बहुत बड़े बड़े वेल्स हैं या बहुत ज़्यादा होल्डर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है XRP पे और वो XRP को होल्ड कर रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा सेल आउट नहीं हो रहा। बट हाँ, XRP का सेल सिग्नल आ रहा है, लोग सेल कर रहे हैं पैनिक में। बट अगर सेल ना करें और सेल को अगर इवेड कर देता है XRP, तो प्राइस ऊपर जा सकता है 6 पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो पे बताया था, लिंक मैं आई डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें बताया गया है कि रिबाउंड होके XRP का प्राइस 0.75 के भी ऊपर जा सकता है। एक न्यूज़ ये निकल के आ रही है। अगली न्यूज़ की बात करें तो बिटकॉइन एथेरियम ऑल्ट कॉइन्स ड्रॉप आफ्टर ट्रैगिंग
रेजिस्टेंस। इसमें यह है कि जो बेसिकली कॉइन्स रेजिस्टेंस से नीचे जा रहे हैं, आप देखो सकते हो। हम मेजरली इस आर्टिकल में XRP की बात करेंगे, जिसमें आप देख सकते हो XRP ब्रोक द 0.450 सपोर्ट जोन, जो कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट कह रहा था। नीचे आए XRP का प्राइस, हम देख सकते हैं XRP प्राइस फॉलोड बिटकॉइन, सेम बिटकॉइन को फॉलो किया और सपोर्ट लेवल 0.450 को ब्रेक किया। मेजरली यार ये सारी जो है ब्रॉडर मार्केट सपोर्ट, मैंने आपको बोला था कि अगर XRP को पुश होना है, नो डाउट उसको होल्ड तो करना ही, लोगों को सेल कम करना पड़ेगा, बाय होना चाहिए, बट एक ब्रॉडर मार्केट के सपोर्ट से भी वो चलता है। जहां ब्रॉडर मार्केट जो मेजर ब्रॉडर मार्केट के हेड्स हैं बिटकॉइन और एथेरियम, वो दोनों लो थे, उनको फॉलो करते करते XRP भी अपने सपोर्ट लेवल से नीचे आ गया एंड 0.42 का सपोर्ट भी ब्रेक किया एंड नियरली 0.410 के पास ट्रेड कर रहा था। बट हाँ, अब प्राइस रिकवर हो रहा है एंड वो मूव कर रहा है अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल 0.450 की तरफ। बट जो मेजर सपोर्ट लेवल 0.450 और 0.455 मेजर हर्डल्स हैं अगर हम आगे देखें XRP के लिए। सो ये ज़रूर नोट करने वाले, आप नोट कर सकते हो और इसको अपने पोर्टफोलियो में मॉनिटर करो यार। अगली न्यूज़ की बात करें तो इसमें सेम ही बताया गया कि XRP को अगर वैल्यू ऊपर होनी है तो क्या चीज़ है XRP के लिए। XRP के ये है कि पहले तो उसको 0.4476 का पाइवट लेवल जाना पड़ेगा ताकि वो अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 0.4700 को प्ले में लेके आए। एंड सपोर्ट ब्रॉडर मार्केट का बहुत ज़रूरी है, जहां बिटकॉइन और एथेरियम दोनों डाउन है 10% से, वहां सपोर्ट ऑफ ब्रॉडर मार्केट बहुत ज़रूरी है कि XRP अपना 32.8.2 FIB रिट्रेसमेंट लेवल 0.4632 को ब्रेक करे। बाकी यार लेट्स सी, मैं बात करूं फर्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल तो 0.4133, पाइवट लेवल 0.4476, फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल 0.4700, ये सारे आप नोट कर सकते हैं। सो यही थी न्यूज़, और कोई खास न्यूज़ आई नहीं है क्योंकि आपको पता ही है XRP का प्राइस डाउन होने के बाद क्या हो रहा है। बाकी हम चढ़ते हैं चार्ट पे और बात करते हैं। करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है 0.4366 पे, और मैं आपको अब ये बताता हूँ क्या सीन है। यार देखो, कल जब प्राइस डाउन गई है ना एकदम, तो क्या हुआ है, लोगों ने मासिव सेल आउट किया यार, आप मानो ना मानो, ठीक है, एक ना एक टाइम एक बंदे ने अगर इन्वेस्टमेंट की होती है और वो लॉस में जा रहा है तो उसका माइंडसेट सबसे पहले ये दिखाता है कि वो मिनिमल लॉस गेन करना चाहता है। मतलब कि अगर वो लॉस में भी जा रहा है, अगर वैल्यू कम जा रही है, तो वो सेल आउट बहुत जल्दी करेगा ताकि वो लॉस मिनिमम पे रह सके। बट बहुत कम होल्डर्स होते हैं जिनमें जिगरा होता है और वो उस कॉइन को होल्ड करके रखते हैं ताकि वो फ्यूचर में गेन करे। तो इसका क्या सीन है, XRP आपको पता है अपने SEC केस की वजह से भी काफ़ी बैड रेपुटेशन में है। मनीग्राम ने जब से अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट उनसे हेल्ड कर लिया है, तब से XRP का प्राइस नीचे आया एंड उसके बाद ये ऊपर जाया नहीं रहा, 0.5 का लेवल सपोर्ट ऊपर गया नहीं है। तो हम XRP से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो यार, वॉल्यूम जो ट्रेड वॉल्यूम लास्ट 24 आवर पे 1.756% से अप है। क्यों? जो लोग हैं उसको सेल आउट प्रेशर में सेल कर रहे हैं एंड बाय भी कर रहे होंगे। बट यस, हम इस टाइम XRP को लोग एज एन अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं कि अब XRP लोअर प्राइस पे आया और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इस पे पैसा भी लगाया होगा ताकि वो इसको लॉन्ग टर्म प्ले होल्ड करें। जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी वेल्स जिनके पास 10 लाख से ऊपर XRP है, उन लोगों ने ज़्यादा सेल आउट नहीं किया, ज़्यादा इंटरेस्ट अभी नहीं दिखाया है XRP में। मतलब कि शायद वो भी अब लॉन्ग टर्म के लिए XRP के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो यार मेरी राय तो ये है यार, अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो आप XRP पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको लेता हूँ एज ए लॉन्ग टर्म ऑल्ट कॉइन, एंड लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि आपको ये थोड़े टाइम में, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद प्रॉफिट ज़रूर देगा। एंड अगर आप इस पे अभी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप होल्ड कर सकते हैं अपना काम, अभी 2-3 घंटे इसको मॉनिटर करो कि इसका प्राइस कहाँ जाता है। 0.415 के सपोर्ट के अगर नीचे जाता है तो डेफिनेटली यार आपको इसको परचेज कर लेना चाहिए क्योंकि प्राइस ऑल ओवर जाएगा, इसको मॉनिटर करो। बाकी यार आपको पता ही है हम इस चैनल पे क्या करते हैं, मैं आपको आके सारी न्यूज़ देता हूँ और रिसेंट अपडेट्स देता हूँ XRP के बारे में या क्रिप्टोकरेंसीज के बारे में, और फिर मैं अपना ओपिनियन निकालता हूँ। बाकी आपको पता ही है मैं ना कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, ना मैं कोई एसेट एक्सपर्ट हूँ। सब आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है, आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते ना लगाएं। क्योंकि मैं पहले भी बोलता हूँ, क्रिप्टोज आर सब्जेक्टेड टू लॉसेस, लॉसेस होते हैं क्रिप्टो में बहुत ह्यूज अमाउंट में। सो ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ। बाकी यही थी XRP के बारे में सारी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बताएं XRP का क्या स्टेटस चल रहा है। और यार कमेंट करके मेरे को बताओ कि आप क्या सोचते हैं XRP के प्राइस के बारे में, और कमेंट करके मेरे को ये भी बताओ कि आपने कितने XRP होल्ड कर रखा है और कौन सी क्रिप्टो करेंसीज पे आपको वीडियो चाहिए, हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे।
बाकी यार चैनल आए हो यार तो यार प्लीज़ यहाँ पे आओ और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और दबा दो बेल आइकन को ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स का सबसे पहले पता चले। यार बेल आइकन ज़रूर दबाना, पता है यार आजकल यूट्यूब पे प्रॉब्लम ये चल रही है जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया होता ना उनको नोटिफिकेशन सारी नहीं जाती, और हम डेली बेसिस पे क्रिप्टो एनालिसिस करते हैं 2 से 3 क्रिप्टोस का, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो। बाकी यार मैं यार आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे को बहुत कमेंट आ रहे हैं कि यार आप घटिया कंटेंट देते हो, आप ये देते हो, मतलब आप सही कंटेंट नहीं देते। देखो यार मैं आपको पहले भी बोल दूँ, मैं ये चैनल एज अ क्रिप्टो करेंसी के लिए इसलिए शुरू किया है ताकि मैं आप लोगों में क्रिप्टो करेंसी की अवेयरनेस लेके आ सकूं और मैं आपको सारी रिसेंट अपडेट्स दे सकूं क्रिप्टो के बारे में। ये कोई क्रिप्टो इन्वेस्टिंग चैनल नहीं है, ये क्रिप्टो न्यूज़ चैनल है जो आपको लेटेस्ट अपडेट्स देता है, जो सबसे पहले आपको अपडेट्स देता है और बताता है कि इस क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में क्या हाल चल रहा है, क्या मार्केट में इसके बारे में लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। मेरा इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ये नहीं लाया हूँ, मैं आपको बस अवेयर करना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसीज़ क्या होती हैं और क्रिप्टो करेंसीज़ क्यों इस देश के लिए और क्यों हम यूथ के लिए ये बेनिफिट है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इसमें सीखना चाहिए हमको। ये एक मेजर फील्ड बन सकती है फ्यूचर में जाके सीखने के लिए, और आपको पता ही है ब्लॉकचेन आजकल नई टेक्नोलॉजी है और ये इंडिया में बहुत जल्द डेवलप होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी कंट्रीज़ ने इसको अडेप्ट किया है और इंडिया को भी ये अडेप्ट करना चाहिए। सो यार मेरा कहना यही है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी यार जिनको बुरा लगता है, जिनको मेरा चैनल गलत लगता है, यार आप कर सकते हो यार अनसब्सक्राइब, मैंने आपको फोर्स नहीं किया है। मैं उन लोगों को रखना चाहता हूँ जो मेरी ऑडियंस में से ट्रू है और मेरे को पता है मेरी कितनी ऑडियंस में से ट्रू है। सो यार बस यही कहना था आपसे, बाकी सब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यार फिर से बोलता हूँ, बस वीडियो को लाइक कर देना, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या।